नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के महान कवि जिनका जन्म कौसानी में हुआ सुमित्रा नंदन पंत जी के पैतृक गांव में, और उनके पैतृक निवास पे उनकी आज भी कई स्मृतियां यहां पर मौजूद हैं। उन स्मृतियों का आपको दीदार कराते हैं, क्योंकि उस महान कवि ने प्रकृति से ओतप्रोत होकर इस देश को बहुत कुछ दिया है। तकरीबन 40 रचनाएं उन्होंने लिखी, बहुत ही फेमस उनकी रचनाएं थी, लेकिन मैं कुल उनकी स्मृतियां आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। मस्तन अगर जिसमें बैठकर उन्होंने 7वीं कक्षा से, आप सोचिए 7वीं जब वो कक्षा में थे तब से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, और यही उनका मेज था जिसमें बैठ के वो लिखा करते थे, और ये उनका टेबल लैंप था, इस कुर्सी में वो बैठा करते थे, अगर आप देख सकते हैं। और अगर आप उनके वस्त्रों की मैं बात करूं, ये जैकेट जो है, उनके कोट देखे, उस दौर में इस तरह के कोट होते थे, वो आज भी यहाँ पर सजो के रखे गए हैं। जो उनको पुरस्कार मिला था अपनी काव्य कृतियों के लिए, उन पुरस्कारों का यहाँ पर जिक्र है, जैसे कविवर श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को हिंदी साहित्य परिषद पटना कॉलेज से पुरस्कृत हुए थे, अभिनंदन पत्र मिला था, विक्रम विश्वविद्यालय से मिला था, और पल्लव जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति हुई उसका उन्होंने लिखा है, छोड़ ध्रुवों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। यानी हर चीज, उनकी हर काव्य रचना प्रकृति से जुड़ी हुई थी। इसी तरह युगपत में उन्होंने लिखा, और पल्लव में उनका बड़ा महत्वपूर्ण है लिखना, सिखा दे ना दे मधुबु कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, इस तरह से उन्होंने पल्लव में ये लिखा था। ये उनकी अलमारी है, और सबसे महत्वपूर्ण ये जो इस चारपाई में वो सोया करते थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये उनका बक्सा है जिसमें अपनी किताबें रखते थे, वो चादर आज भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखा सकूं तो वो चश्मा आज भी, सुमित्रानंद पंत जी का चश्मा आज भी यहाँ पर मौजूद है, अगर आप देख सकते हैं। तो इतने महान कवि थे सुमित्रानंद पंत, और ये उत्तराखंड का गौरव था कि उनका जन्म स्थान जो है वो कौसानी था। और मैं आपको एक और बड़ी चीज जो दिखाने जा रहा हूं, उस दौर के 3 महान कवि आप देख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत जी और हरिवंश राय बच्चन, ये 3 महान कवि की एक साथ फोटो तस्वीर बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। हरिराम जी जो है यहाँ पर, इसको पूरा देखते हैं। राम जी जब बताइए कि यहाँ पर आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्या कुछ विशेष यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? अभी तो सर ये बिल्डिंग बन रही है उनकी, पंत जी का संग्रहालय में जो बन रहा है, अभी काम चल रहा है। तो आप कैसे याद करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को? क्योंकि वो तो हमारे राष्ट्र के धरोहर हैं, दूसरे हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हीं को मिला था पूरे इंडिया में, और दूसरे हमारे उत्तराखंड का नाम आगे है। आज के समय में उतने महान कवि कोई, कौन कौन सी कृतियाँ उनकी, जरा आप थोड़ा अपने स्मृति से हमें बताइए। उनकी कृतियाँ तो बचपन में पैसे हुए थे, मैंने चुप चुप के ही लिखा हुआ था, एक बुरा सी उनके उस उपलक्ष्य पर उन्होंने कविता लिखी हुई थी, और बाकी 40 रचनाएं ही थी। कुछ रचनाओं के नाम आप बताएं। रचना थी पहले पल्लो, युगपत, युगवाणी, कला और बुरा चांद, को घटने से पहले, शौकी की धनी, शशि की किरण, लीला ग्रंथी, इतनी याद है। बिल्कुल, तो आपने देखा यहाँ पर सब कुछ उनकी स्मृतियों को सजो के रखा हुआ है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के साथ उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है, अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ उनकी तस्वीर मौजूद है, उनके पिता, उनके भाई और उनकी माताजी, और उसके बीच में सुमित्रा नंदन पंत। कहा तो ये भी जाता है कि अमिताभ बच्चन नाम जो है सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिया था अमिताभ बच्चन को, ये भी कहा जाता है, और ये किताबें यहां पर सजो के रखी गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति से कितने नजदीक थे, एक कविता मैं आपको उनकी बताता हूं, इतनी सुंदर ये कविता है, इसको हर किसी को धारण करना चाहिए। जग जीवन जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूट भय संशय अंध भक्ति, मैं वह पात्र बन सकूं रात, मिल जाए जिसमें अखिल शक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहार।
यानी प्राकृतिक सौंदर्य से उत्प्रोत होकर वो सारी रचनाएं और कविताएं लिखा करते थे। प्रणाम है इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को, जिन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ पर जो जन्मे, और हम सब उत्तराखंडी क्या पूरा भारतवर्ष आज उन पर गर्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश थी इस पैतृक गांव को आपको दिखाने की, इस महान कवि की जो जन्म स्थान है उसे आपको दिखाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।